time. First of all, congratulations for new song again. So क्या कुछ कहना चाहेंगे सडी गली 2.0 कुछ नया वेडिंग सॉन्ग कैसा महसूस हो रहा है? फैंस भी पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि आप जानते हो सडी गली ऑलरेडी इट्स ए वेरी नाइस ट्रैक एंड इट्स वेरी गुड. इट्स ऑब्वियसली इट्स माई फेवरेट एंड ऑल ऑफ अस लाइक्स इट वेरी मच. सो जैसे ये गाना मेरे पास आया था तो इट्स यू नो इट्स एन अपबीट वर्जन ऑफ दैट. इट्स रियली आई रियली वांटेड कि अगर मैं इस पर डांस करना चाहूँ तो इसकी कोई फीमेल वोकल हो जिसमें मैं गा भी सकूँ इस गाने को. तो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ इट, टू मेक इट लाइक यू नो लिटिल अपबीट वर्जन एंड विद सम लिटिल फीमेल लिरिक्स विद इन इट सो दैट गर्ल्स ऑल्सो कैन डांस इन वेडिंग. या सो जैसे कि आपने कहा पहले भी सडी गली कंगना मैम ने किया है जी. सो जब फर्स्ट टाइम आपके पास ये सॉन्ग का अप्रोच आया सो आप हम होते हैं ना कि ओल्ड सॉन्ग जब हमें न्यू वर्जन में मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो एक वाइब में बनाना पड़ता है तो आपने उनका परफॉर्मेंस देखा मतलब एडमायर किया. सो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? ऑफ कोर्स आई मीन आई रियली एडमायर हर एंड हर एक्टिंग. शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर. तो वो गाना जैसे हम देखते हैं तो उन I mean, all actors are so natural there. They're enjoying the song, vibing with the like the beats of it, and it's completely an Indian vibe. So यहाँ भी हमने कोशिश की कि as natural as we can enjoy on the set of Sadi Gali 2, and just be natural and enjoy the song. And that's what we did on the set. Yeah. So आपके साथ इस वीडियो में म्यूजिक वीडियो में फ्रेडी सर भी थे जी. उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि नॉर्मली हमने उन्हें एक्शंस yes. में देखे हैं, विलन्स के रोल में देखे हैं, अभी उन्हें कुछ नए अंदाज में वापस प्रेजेंट करे टी सीरीज. सो आपको आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल व्हेन आई स्पोक टू हिम ही वॉज वेरी एक्साइटेड. वो अभी फिलहाल एक ट्रिप में है तो आज नहीं तो हमारे साथ ही होते. सो He was very excited because for him it was very new experience. He never did a dance kind of stuff and he was more excited than me. I mean like let's do it this way that way because for him also it was a completely a new vibe and he wanted to show the audience that ki audience should know that he can dance also, he can you know express out and enjoy the vibe. Yes. जैसे कि हम जानते हैं अगर हम आप टी सीरीज के साथ पहले भी कर चुकी है वापस आप कर रहे हैं अभी भी आपका नया न्यू सॉन्ग्स आया है सो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमें कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है. सो उसमें आप क्या मतलब क्या फेस करते क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं जिससे लोगों को ऐसा फील हो कि आप मतलब नेचुरल लगे उस कैरेक्टर में आप पूरे घुल मिल जाए कैसे आप वो प्रेजेंट करती है? Honestly, मुझे mostly remakes ही offer होते हैं but which is I feel good at the same time it's very challenging because आपके ऊपर एक responsibility होती है. आपको at least उस जो पहले actors ने एक benchmark create किया है उस गाने के लिए उस तक आप पहुँचो या उससे better करो. It's a but at the same time it's आई एम ग्लैड कि मुझे ये सब गाने मिले हैं या मिल रहे हैं कि मैं एक पार्ट हो सकती हूँ तो अच्छा लगता है. एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना मैं उसके साथ गानों के साथ घुल मिल कर उसको जस्टिफाई कर पाऊँ आई जस्ट ट्राई. सो आपको क्या लगता है वेडिंग सीजन है और उसमें ये गाना ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा? ऑफकोर्स आएगा बिकॉज मैं जैसे गाने बनने से पहले सडी गली वॉज इट्स काइंड ऑफ ए वेरी आइकॉनिक सॉन्ग. यू नो जब भी हम कहीं जाते हैं हर वेडिंग में ये बजता ही है एंड अगेन हमने इसको थोड़ा सा और अपबीट कर दिया तो अभी मतलब इसमें और एनर्जी है. आई मीन यू कैन यू फील लाइक डांसिंग जब भी आप इसको सुनोगे. और कोई भी ब्राइड अगर परफॉर्मेंस करना चाहे इसमें तो अभी ब्राइड भी एंट्री ले सकती है इसमें क्योंकि हमने ऐसे लिरिक्स डाला है तो इट्स ऑब्वियसली आई फील पीपल विल लाइक इट. सो हमने जैसे कि आपको देखा है इमोशनल अवतार में देखा है फिर रोमांटिक अवतार में देखा है सो विच इज़ योर फेवरेट अवतार जो आप रियल लाइफ में भी मतलब आपका जो पर्सनालिटी है रियल जो उसे डिफाइन करता हो? रियल लाइफ में मैं बहुत अलग हूँ. आई मीन आई एम अ वेरी सटल गर्ल. वैसे गानों में मैं हमेशा डांस वांस एकदम एनर्जी के साथ रहते हैं हम लोग बट
I'm a very homely kind of a person, and I think मैं काफी सटल हूँ इस मामले में. सो अदर देन एक्टिंग, अगर आप को चांस मिला बॉलीवुड में किसी के साथ काम करने का, सो आप एक्टर, सबसे फेवरेट एक्टर आपके कौन से रहेंगे और किसके साथ आप काम पसंद करना चाहोगे, काम करना? आई मीन ऑल आर गुड, आई मीन ऐसा कोई मैं फेवरेट नाम नहीं लूँगी, बट कभी भी एज पर स्क्रिप्ट अगर जो भी अच्छे, आई मीन उसको जस्टिफाई करे, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क. सो स्क्रिप्ट की बात आपने कही है, सो अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है जी, तो आप कौन से स्क्रिप्ट, मतलब आप पर्टिकुलर, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट कर सकती है क्या, एक मतलब पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आप करना, मतलब आपके हिसाब से आप पसंद करोगी करना? अभी तक बहुत सारी स्क्रिप्ट आई है सो फार, लेकिन मैं थोड़ी सी होल्ड पे अभी, मतलब आई एम लिटिल ट्राइंग टू एटलीस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द ऑडियंस फर्स्ट, एंड देन डेफिनेटली आई विल pick a script which is meaningful and which I would really feel like to do that script from my heart, that I will choose, yeah. So what do you think ki old music vibe abhi ye jo aapne new version create kiya hai beat kar payega aaj ki generation, aaj ka jo youth hai, beat kar sakta hai ye song? Of course beat ki to baat hi nahi hai, kyunki isme old and new ka koi comparison nahi hai, both are good and I think they also didn't try to make it a new version of it. It was just like a add-on version to it. It's just a upbeat version of it, also with a little female vocal. So, वो अपनी जगह बहुत beautiful है, और ये भी same ही है almost. I would say कि they changed something, you know, yeah. So, हमने video start, जैसे एक starting हुई है video की, songs की, उसमें आप पहले one piece पे रहती है, फिर सर इशारा करते हैं कि आप क्या पहन के आ गई हो, सो वो अपने आप को आपको वीडियो में देख के ऐसे कैसा महसूस होता है? तो आइडिया ये था कि जैसे एक संस्कारी फैमिली वेडिंग चल रही है, और सडनली एक, मतलब जो उस लड़के की क्रश है, शी एंटर्ड इन ए वेरी मॉडर्न वे, ऑफकोर्स पेरेंट्स है, सब कुछ है, एंड उसको तो आइडिया नहीं था कि वो ऐसी आ गई. सो दैट्स व्हाई ही, वो इशारा करती है अपनी बहन को कि उस कुछ कर मेरे लिए, काइंड ऑफ, देन शी डज, कि उसका मेकओवर कर देती है इंडियन अटायर में, एंड देन इट स्टार्ट्स. सो दिस इज द आईडिया. रियल लाइफ में अगर आपको सचमुच में ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, सो ये सीन आप इंजॉय करोगी क्या, मतलब आप वहाँ संस्कारी बन के चले जाओगी? संस्कारी जहाँ बनना है वहाँ तो बन के जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा. बट फिर भी रियल लाइफ में हमें दिखाने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा ट्विस्ट लाना पड़ता है. सो आपने इतने सारे को स्टार्स के साथ काम किया, विच इज़ योर फेवरेट? ऑल आर गुड यार, आई मीन लाइक अलग अलग, सब अपने अपनी जगह. मैंने काफ़ी सिंगर्स के साथ भी किया है, दे आर गुड इन सिंगिंग, एंड फ्यू एक्टर्स आर देयर, देयर आर फ्यू डांसर्स आल्सो इन पास्ट आई डिड. सो सब अपने अपने प्लेटफॉर्म में, दे आर वेरी गुड. सो एनी मैसेज टू योर फैंस, योर ऑडियंस, जिन्हें आप कुछ कहना चाहोगी? सटीगली 2.0 रिलीज हो चुका है, सो क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसको दिल खोल के एंजॉय कीजिए, और नाचिए, और रील्स बनाइए ढेर सारे, बिकॉज दिस सॉन्ग इज़ अबाउट फन एंड हैविंग फन, एंड एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, इट्स अ फैमिली सॉन्ग, और वेडिंग में ज़रूर बजाइएगा. सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ न्यू अवतार अदर देन दैट? देयर आर फ्यू थिंग्स कुकिंग, हम मिलते रहेंगे ऐसे. आई विल सी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.